नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 48 को किस तरह से बनाते हैं और उसका क्या क्या रूल है। देखिए, एक्सरसाइज 48 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माय स्कूल। देखिए, डिग्री के सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ता है कि दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव में है, कॉम्परेटिव में है या फिर सुपरलेटिव में है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंटेलिजेंट, इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है सुपरलेटिव में है। किसमें? सुपरलेटिव में मोस्ट लगा हुआ है। हम लोग इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में और कॉम्परेटिव में, दोनों तरीके से। ठीक है, ये टाइप 1 का है, इसमें कॉम्परेटिव दोनों टाइप से चेंज होता है। देखिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा नो अदर। क्या लिखना है? नो अदर। नो अदर लिख दिए, अब आपको लिखना है नाउन फिर हेल्पिंग वर्ब। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, नाउन क्या हो जाएगा? नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। यहां तक लगा दिए, अब आपको लगाना है क्या? हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी नाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे क्या लगाना है? सिंगुलर। इज कहाँ से आ गया है? इसका जगह हैज है भी लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? इज, आर और एम। तो हम लोग क्या इसको चुनेंगे? इज को चुनेंगे। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज, अब आपको लिखना है एडजेक्टिव का फर्स्ट रूप जो कि लॉक होना चाहिए एज या सो से। हम लिखेंगे एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट। अब एज यहाँ लिखे हैं तो एज लगाइएगा, यहाँ सो लिखे हैं तो आप यहाँ पे एज लगा सकते हैं। ठीक है, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज इंटेलिजेंट एज। अब सब्जेक्ट क्या है? तो राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब हम लोग देखते हैं कॉम्परेटिव का फर्स्ट रूप क्या है। देखिए, फर्स्ट रूप क्या है, मतलब फर्स्ट टाइप में आपको लिखना पड़ता है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा होगा? राम। लिख दीजिए राम। अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्या लिख दिए? राम इज। अब आपको लिखना है एडजेक्टिव का सेकंड रूप, मोस्ट इंटेलिजेंट का सेकंड, मतलब कॉम्परेटिव में क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन। फिर क्या लगाइएगा? देन। अब आपको यहीं पे याद रखना है कि टाइप 2 में भी सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, बस यहाँ एनी अदर होगा और टाइप 2 में ऑल अदर हो जाएगा। ठीक है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। नाउन क्या है? बॉय ऑफ माई स्कूल, बॉय ऑफ माई स्कूल। कॉम्परेटिव का टाइप 2, इसमें क्या डिफरेंस करना है? एनी अदर की जगह क्या लगाना है? ऑल अदर लगाना है। देखिए, लिखना है आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, राम इज एडजेक्टिव का सेकंड रूप, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट, GENT हो ना, मोर इंटेलिजेंट देन। यहां तक सेम ही रहेगा। अब एनी अदर की जगह आपको लगाना है ऑल अदर। क्या लिखेगा? ऑल अदर लिख दिए। अब यहां ध्यान रखना है कि नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, इसमें नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर था। ऑल अदर बॉय तो क्या लिखेगा? बॉयज। ऑल अदर बॉयज ऑफ माय स्कूल। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है EST। क्या लिखा हुआ है? EST, इट मीन्स दिया हुआ जो सेंटेंस है सुपरलेटिव में है, चेंज करना है हमको पॉजिटिव में और किसमें? कॉम्परेटिव में। इसके दोनों टाइप से चेंज करना है क्योंकि ये टाइप 1 से है। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको ये पता है कि सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? नो अदर। क्या लिखेगा? नो अदर। अब लगाना है आपको क्या? नाउन लिखेगा, नो अदर मेटल। मेटल लिखने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। नो अदर मेटल इज एज, या सो लिख सकते हैं, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। बस यहां अगर आप सो लगाते हैं तो यहां एज लगाइएगा। टाइप 2 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लीड हेल्पिंग वर्ब इज। लीड इज अब एडजेक्टिव का सेकंड रूप, हैवियर का क्या हो जाएगा? सॉरी, हैवी का क्या हो जाएगा? हैवी, एच ई ए वी आई ई आर। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल।
एनी अदर मेटल। टाइप टू में क्या हो जाएगा, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, ऑल अदर मेटल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। आप बताइए दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव सुपरलेटिव किसमें है। यहाँ लिखा हुआ बेट गुड बेटर बेस्ट, मतलब ये सुपरलेटिव में है, चेंज करना है हम लोग को पॉजिटिव में। किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में, ठीक है। आइए पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है नो अदर। क्या लिखेगा, नो अदर लिखिए। अब आपको लिखना है नाउन, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगा, इज नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज या सो गुड एज, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत एज या सो गुड एज अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव का टाइप वन में भी होगा और टाइप टू में। कॉम्परेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, अभिज्ञान शकुंतलम, ए बी एच आई जी वाई एन, अभिज्ञान शकुंतलम, ओके। अब लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, अभिज्ञान शकुंतलम इज, अब क्या लगाइएगा, एडजेक्टिव का सेकेंड रूप, गुड बेटर बेस्ट, बेटर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर, अब लिखना है नाउ, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ओके। टाइप टू में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज सेकेंड रूप क्या हो जाएगा इसका, बेटर BETTER, बेटर देन, बस एनी अदर की जगह क्या लिखना है, ऑल अदर ड्रामा इन संस्कृत। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है गाइस, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब आप लोग हमको बताएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव किसमें है। आप लोग सर यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ सेंटेंस सुपरलेटिव में है, चेंज कीजिए इसको पॉजिटिव में और कॉम्परेटिव में, दोनों टाइप में चेंज करके दिखाइए। तो जो दिखा देते हैं, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको लिखना पड़ता है नो अदर। क्या लिखेगा, नो अदर, नाम क्या है, सिटी, नो अदर सिटी इन इंडिया। इंडिया अच्छा दिखना चाहिए क्या, प्यारा देश हमारा भारत। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड, गुड इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एज गुड एज मुंबई, ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव को फर्स्ट टाइप में क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो मुंबई इज बेस्ट का क्या हो जाएगा यहाँ, बेटर, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब टाइप टू में लिखते हैं, टाइप टू में आपको पता है एनी अदर की जगह ऑल अदर लिख देना, यहाँ लिखिए मुंबई इज बेटर देन एनी अदर की जगह ऑल अदर, और नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल, ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। क्या हो गया, मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। आप बताइए दिया हुआ सेंटेंस किसमें है, तो सुपरलेटिव में है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सुपरलेटिव में है तो चेंज करेंगे पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव के दोनों टाइप में चेंज करना है। देखिए पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है नो अदर, क्या लिखते हैं, नो अदर, फिर आपको ढूंढ के लिखना पड़ता है नाउन, नाउन क्या है, नो अदर न्यूज पेपर इन इंडिया,
नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया हेल्पिंग हर इज एज यसो पावरफुल एज यसो पावरफुल एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट कॉम्परेटिव के टाइप वन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या? द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्या हो जाए कॉम्परेटिव में मोर पावरफुल। मोर पावरफुल द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। आइए देखते हैं कॉम्परेटिव सेकेंड टाइप में कैसे हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन बस यहाँ एनी अदर की जगह क्या लगाना है दोस्तों ऑल अदर। ऑल अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओके आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए अब दिया हुआ सेंटेंस है मोस्ट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये सुपरलेटिव में है। चेंज करना है पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में। सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए लिखना पड़ता है क्या? नो अदर। नो अदर नाउन क्या है? नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। कॉम्पिटेटिव टाइप वन में लिखना पड़ता है सब्जेक्ट आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। कॉम्पिटेटिव टाइप टू में क्या हो जाएगा? आयरन इज मोर यूजफुल then all other metals। ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है he is the strongest man in my family। strongest it means यहाँ est लगा हुआ है दिया हुआ सेंटेंस सुपरलेटिव में है। आइए चेंज करते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए लिखना पड़ता है no other। No other लिख दिए अब लिखना है नाउन। No other man in my family। No other man in my family is as strong as he। मेरे बारे में ही बात हो रहा है मेरे फैमिली मेरे बारे में ही बात हो रहा है। कंपैरेटिव का टाइप वन में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है। झूठ बात थोड़ी बोलती है चलने बोलोगे तो कंपैरेटिव का सबसे फर्स्ट में लिखना पड़ता है सब्जेक्ट ही इज स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देन एनी अदर इन My family। टाइप टू में क्या हो जाएगा? He is stronger than all other in my। कुछ छूट रहा है क्या जी? No other man in my family is as strong as he। Okay? He is stronger than any other man in my family। Oh, sorry guys, man over। He is stronger than all other men's। The mean। Oh, यही होगा। गलती से mistake हो गया। He is stronger than all other men in my family। Okay? मेरे बारे में बात नहीं हो रहा है।
ये घुसा गया है बोर्ड वाला, नहीं आपके बारे में बातें नहीं हो रहा है। एट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखिए, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट ईएसपी। आगे पढ़ने का तो मतलब नहीं दिया हुआ, सेंटेंस सुपरलेटिव में है, चेंज करते हैं अपन पॉजिटिव में। सबसे पहले लिखना है नो अदर, क्या लिखिएगा, नो अदर, आइलैंड नहीं लिखा हुआ भाई, को आइलैंड मत पढ़ दियो, आइलैंड लिखा हुआ, ठीक है, नो अदर आइलैंड। अंग्रेज सब काइल जब आइलैंड पढ़ना था तो आईएस लगाया, एकदम गजब है वो सभी। नो अदर आइलैंड इज, नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। ओके, कॉम्परेटिव पर टाइप वन में क्या लिखना है, ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। आइलैंड पर आने वैसे मजे आता होगा क्या, आप लोग गए हैं कभी आइलैंड घूमने कहीं पे? देखिए नेक्स्ट बताइए कमेंट करके। हम तो भाई कहीं नहीं गए घूमने, अपना बिहार, बिहारों नहीं घूमे चला अभी तक। ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर, की जगह क्या लिखेगा, ऑल अदर। ग्रीनलैंड इज लार्जर देन ऑल अदर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन, मेरे इधर लाइट चला गया है, पता नहीं क्या बात है, देश में कोयला खत्म हो गया, सबसे बड़ा दिक्कत बिहार में है, लाइन नहीं कट जाता है सब दिन भर। देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। ईएसटी लगा हुआ है, मतलब दिया हुआ सेंटेंस सुपरलेटिव में है, चेंज करना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, नो अदर, अब लिखना है नाउन, क्या हो जाएगा, नो अदर पीक ऑफ हिमालयस, एच आई एम ए एल ए वाई एस, नो अदर पीक ऑफ हिमालयस इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट भी वही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स ऑफ द हिमालयस। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? चलिए दिख तो रहा है, काम चला लीजिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और बता के इसको बंद कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा टाइप 2, ठीक है, उसमें फिर जो रूल लगा रूल नहीं लगेगा, उसमें दूसरा रूल लगेगा, ठीक है, बताते हैं। लाइन चला गया तो इसी वीडियो में बता देते। देखिए, दिस इज द मोस्ट, मोस्ट लगने का मतलब है सुपरलेटिव है, चेंज कीजिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए लिखना पड़ता है नो अदर, नो अदर पिक्चर इज एज ब्यूटीफुल एज दिस इज, या एज दिस लिख दिया, एज दिस। कॉम्परेटिव का फर्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, देन एनी अदर पिक्चर, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर पिक्चर। ठीक है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।